guys. Hi, this is Richa. I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel. What the fam? 2.0. So, I don't think I can buri jagah par hai. No, I can't. Ek to na, I don't know, but फवाद जब गुस्सा वाला लुक से थे मुझे वो पसंद नहीं आता है थोड़ा नॉट रियल गुस्सा लगता है उनका और नॉन फवादिश है हाँ वही मतलब फवाद हमेशा क्यूट स्माइल रोमांटिक प्यारे स्माइल करते हुए ही लुक्स बेटर वैसे इनका गुस्सा बहुत एग्रेसिव गुस्सा दिखता है आई डोंट नो मुझे तो जैसे देखते हैं ना वो एक मासूम शक्ल है ना और उसके ऊपर गुस्सा वही चालू ही करते हैं एपिसोड 10 पार्ट 3 जो वी विश वाज एपिसोड 11 और मैं आपसे परमिशन लेके गई थी अगर आप मना कर देते मैं कभी भी ना जाती जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो ये खामखा एक्सक्यूजेस क्यों दे रही हो प्लीज जाके सो जाओ और मुझे काम करने दो जब नींद आएगी तो खुद आ जाऊंगा और इस तरह यहां पे बैठ के ये फजूल डायलॉग्स बोल के मेरा टाइम मत जाया करो मेरी जिंदगी में वो वक्त आएगा जब तुम मुझे देख के ऐसे ही मुस्कुराओगी मेरे लिए सजोगी सवरोगी बस तुम मुझसे इस तरह दूर मत रहा करो तुम्हें पता है अमेरिका भी इसलिए जा रहा हूं कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर सकूं क्या मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हाँ अभी थोड़ा ऑब्सेस्ड लग रहा है बड़ा ना सटल वे बॉर्डरलाइन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये अशर को क्या हुआ है सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर भाग गया है मूड खराब लग रहा था तुमसे कोई बात तो नहीं की उसने नहीं मम्मी कोई बात बात नहीं है एक्चुअली हम दोनों कल रात देर से सोए इसीलिए सुबह उनकी आंख नहीं खुली उनकी मीटिंग के लिए लेट हो गए तो अपसेट है वहाँ जाके नाश्ता कर लेंगे आप फिक्र मत करें उफ़ एक तो ये लड़के काम को अपने सर पे सवार कर देते हैं तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो कल रात देर तक पढ़ रही थी ना एग्जाम्स की टेंशन पढ़ा क्यों नहीं रही ये पढ़ाई करने का अच्छा तरीका है नाश्ता करो उसके बाद अपनी नींद जाके पूरी करो तुम सुबह सुबह मूड खराब कर दिया है एक आंधी और तूफान की तरह दफ्तर चला गया नाश्ता किए बगैर और दूसरी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही क्या करूंगी मैं तुम दोनों के साथ प्लीज मम्मी आप खफा मत हो आई प्रॉमिस अभी नाश्ते के बाद मैं सो जाऊंगी चलो मम्मी
सारा कोई इसलिए नहीं पसंद क्योंकि हर थोड़े टाइम में उसके सामने होता है। How are you? I'm so happy. शुक्र है तुम दो घड़ी मेरे साथ बैठी तो सही। खजर तुम्हें क्या बात करनी है, जल्दी कर दो प्लीज, मुझे अपनी दोस्त के घर जाने, मुझे देर हो रही है। पता है सारा, मैं यहां सिर्फ तुमसे मिलने आता हूं, सिर्फ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। तुम्हारी इन चीप बातों से मुझे चिढ़ हो चुकी है सारा। मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं तुम्हें अच्छा लगना शुरू हो जाऊं? तुम ऐसे कभी भी नहीं बन सकते। मैं बना लूंगा अपने आप को ऐसा सारा, मैं बन जाऊंगा वैसा, मैं भी असर जैसा बन जाऊंगा। मैं अपने अंदर वो सारी बातें पैदा कर दूंगा जो तुम्हें असर में अच्छी लगती है। मैं अमेरिका चला जाऊंगा, मैं अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लूंगा बिल्कुल जितना असर है। तो बस एक बार मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तुम्हें पता है सारा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी मैं तुमसे करता हूं। मुझे तुम्हारी इन बातों पर गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। जिसके पीछे तुम पागल हो ना, वो तुम्हारी तरफ मुड़के देखता तक नहीं है, छोड़ दो उसे। और वैसे भी इस वन साइडेड मोहब्बत से तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसके भी तो वन साइडेड है। खबरदार जो आइंदा अशर का नाम बीच में लाए, उसके और मेरे बीच में क्या है वो मेरा मामला। तुम अपने काम से काम रखो। दो घड़ी तुम्हारे साथ बैठ के आ गई, तुम अपने हाथ भूल गए? याद रखो खजर, तुम कभी भी अशर की बराबरी नहीं कर सकते। गेट इट? ये कोई स्टुपिड मूव ना करे। करेगा किरण समथिंग। काश एक बार तो मेरी तरफ मुड़ के तो देखो सारा, मेरी आंखों में देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, कितना चाहता हूं तुम्हें। जी अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब। कल नहीं, कल तो मुश्किल हो जाएगा जी। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए, वापस आता तो हम मीटिंग रख लेंगे फिर। ठीक है, ओके बाय। लाइन में पैकिंग कर दीजिए। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है?
ठीक हूँ। तुम्हारी पानी ना? नहीं।